सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और घंटी को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको सरकारी भर्तियों, रोजगार समाचार, न्यूज और ताजा अपडेट की जानकारी मिल सके। नमस्कार मित्रों, आज 22 मार्च है और आज की पांच बड़ी खबरें जो आपके लिए कहीं न कहीं काम की साबित होगी, तो सुनिए खबर नंबर फर्स्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो पहली किस्त अभी तक जिन किसानों के खाते में नहीं आई है, जल्दी उन सभी किसानों के खाते में 31 मार्च तक पहली किस्त आ सकती है। तो इसके लिए दिल्ली, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित जो अन्य किसान हैं उन सभी का जो डाटा वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है, तो ये पहली किस्त आप देख लीजिए इस न्यूज के माध्यम से 31 मार्च तक आ सकती है। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आपको पीएम सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त के लिए जो अभी तक आधार कार्ड अनिवार्य नहीं था, लेकिन दूसरी किस्त उन्हीं किसानों के खाते में आएगी जिनके पास आधार कार्ड बना होगा। इसलिए आप जल्दी से जिन किसानों ने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाए वो आधार कार्ड बनवा लीजिए। इसके साथ ही सुनिए दूसरी न्यूज, दूसरी खबर हम आपको बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने सभी नौकरी करने वाले, उच्च डिग्री हासिल करने वाले अपने कर्मचारियों के लिए जाने वाले एक मुफ्त प्रोत्साहन योजना के तहत 5 गुना रुपये की वृद्धि की है। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि कार्मिक मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक प्रोत्साहन की रकम को बढ़ाकर न्यूनतम 10,000 रुपये और अधिकतम 30,000 रुपये करने का बड़ा फैसला किया है। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सबसे 20 साल पुराने नियम में संशोधन किया है, तो नौकरी के दौरान ऊंची डिग्री पर 5 गुना राशि अब मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि वे सभी देशवासी जिन्होंने किसी भी बैंक के द्वारा जनधन खाता अकाउंट खुलवा रखा है और तो पीएम जो जनधन खाता खुला है उसके तहत जो केंद्र सरकार ने बड़ा कदम ये उठाया कि उनके जो ओवरड्राफ्ट की सुविधा के माध्यम से जो 5,000 रुपये प्राप्त कर सकते थे उसको बढ़ा करके अब 10,000 रुपये कर दिया गया। इसलिए आप नज़दीकी अपनी जो जिस शाखा में भी आपने अपना खाता खुलवा रखा है उसमें जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। आयु सीमा जिसमें 18 से 60 वर्ष रखी गई थी लेकिन उसको बढ़ा करके 1865 वर्ष कर दी गई है, तो इस ओवरड्राफ्ट की सीमा को 2 गुना कर दिया है। और इसके साथ ही जो आपको जनधन अकाउंट पे जो आपका एटीएम कार्ड मिलता था जिसपे आपको जो दुर्घटना बीमा 1 लाख रुपए था उसको बढ़ाकर भी 2 लाख कर दिया गया है। इसके साथ ही चौथी बड़ी खबर, बेरोजगार युवाओं के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि वे सभी बेरोजगार युवा जो उनको बेरोजगारी भत्ता मिलता है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। राजस्थान के वे सभी स्नातक पास बेरोजगार युवा जो अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जो स्नातक पास है, प्रत्येक परिवार में 2 सदस्यों को ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना होगा उसके लिए आधार कार्ड, इसके साथ ही आपको जो अपना आधार कार्ड के साथ जो बैंक की पासबुक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की होनी चाहिए और आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसके साथ अब बात करते हैं उन सभी किसानों की जिनका अभी तक किसान केसीसी कार्ड से कर्ज ले रखा है और उनका कर्ज माफ़ नहीं हुआ है, तो हम आपको इस न्यूज के माध्यम से बताना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव 2019 को देखते हुए आप देख सकते हैं इस न्यूज के माध्यम से इस बार चुनाव में केंद्र में युवा और बेरोजगार भत्ता और कर्ज माफी को लुभाने की कोशिश की जा रही है। इस तस्वीर को आप देखिए, इस तस्वीर में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सब ने आप अलग अलग वादा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम सभी किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे अगर हमारी केंद्र में सरकार बनती है। तो दोस्तों इसी प्रकार आपके हित में जो भी लेटेस्ट अपडेट आए उनकी सूचना हम आप तक सबसे पहले पहुँचाने की कोशिश करें। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाल रंग के सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।